नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको पजामे की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। यहाँ पे जो हमने लेंथ रखनी है वो तैयार रखनी है 38 इंच। उसके बाद जो नीचे की साइड हम चूड़ियों के लिए कपड़ा रखते हैं वो आप इच्छा अनुसार रख सकते हो। जैसे 10 से 15 इंच के भी हम यहाँ पे चूड़ियाँ डाल सकते हैं, या तो वो कपड़े के हिसाब से रखा जाता है या लेंथ के हिसाब से, जैसे ग्राहक बोलता है उस हिसाब से हम नीचे की साइड चूड़ियाँ एक्स्ट्रा चूड़ियाँ रखते हैं। लेंथ हमारी ये हो गई 38। जो हमारा मोरी का नाप होगा, मोरी का नाप होगा 10 इंच। 10 इंच ये मैंने बॉडी का नाप लिया हुआ है, जैसे शरीर का नाप लिया जाता है इस प्रकार से फिटिंग में। इसमें लूजिंग मैं साथ के साथ देता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। वैसे जो लूजिंग आती है, 1 इंच की लूजिंग आती है मोरी में भी और यहाँ पे टांग में भी और घुटनों में भी। 10 इंच हमारा मोरी का नाप होगा, 13 इंच हमारा टांग का नाप होगा और घुटनों का नाप होगा 15 इंच। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा कि हमारी ये बॉडी का नाप किस किस पॉइंट पे आता है। जैसे घुटना कितने इंच पे रखेंगे, टांग कितने इंच पे रखेंगे, और मोरी की लेंथ तो हमारी नॉर्मल होती है। जैसे 38 तैयार है तो हम 38 पे ही रखेंगे। लेकिन ये जो दो चीज़ें होती हैं इनका ज़्यादातर पता नहीं लग पाता कि हम कितने इंच पे इन चीज़ों को रखते हैं। और यहाँ पे ऊपर की साइड हम बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट वाली पजामी कटिंग करेंगे, समोसा कटिंग जो होती है समोसा कटिंग सिखाएंगे आपको। और आगे की साइड यहाँ पे प्लेटें डलती हैं, जैसे चुन्नटें डलती हैं जब हम बेल्ट अटैच करते हैं। तो पूरी मैंने इस तरीके का ये बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पे जो हम कपड़ा लेंगे, कपड़ा हमारे पास 2.25 मीटर है, 2.25 मीटर में से हम पजामे की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं पजामे की कटिंग। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा है, इसको पहले हम डबल फोल्ड करते हैं इस प्रकार से, और ओपन हिस्सा अपनी लेफ्ट साइड रखेंगे और बंद वाला हिस्सा अपनी राइट साइड रखेंगे। दोनों करनी इस प्रकार से पकड़ते हुए यहाँ पे हम फोल्ड लगा लेते हैं इस प्रकार का। इसको समोसा फोल्ड भी बोलते हैं और अमरेला फोल्ड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। और हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी कोई भी अंदर की साइड कोई सलवट ना हो कपड़े के अंदर। इसको हम अच्छे से इस प्रकार से सेट करेंगे और प्रेस से बिठा लेंगे, यहाँ पे क्रीज बना लेंगे ताकि अंदर बाहर हमारा कोई भी सलवट ना रहे। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे फोल्ड करते हुए कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें कटिंग के लिए यहाँ दो चीज चाहिए। एक हमारी सेव पट्टी होगी, जैसे ये सेव होती है इस प्रकार की, इस तरीके का स्केल लेना होता है, और एक हमें सीधा स्केल लेना होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नीचे की साइड, जैसे हमारी मोरी यहाँ पे 10 इंच है, तो हमने तकरीबन जहाँ पे हमारा 12 इंच आएगा, 12 इंच तक का फोल्ड आता है, वहां पे एक निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे जितनी हमें चूड़ियाँ डालनी होती है, जैसे हम चूड़ी, जैसे मैंने बताया था आपको 10 इंच की रखेंगे नीचे, 10 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद हम जितनी लेंथ रखनी होती है, जैसे हमें 38 इंच लेंथ रखनी है, तो यहाँ पे 38 इस प्रकार से इंची टेप रखेंगे और ऊपर की साइड इंची टेप का हिस्सा 4 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन का निशान लगता है 13 इंच के ऊपर, 13। अगर साइज कम ज़्यादा हो तो आप इसको 1 इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कम साइज है तो आप 12 इंच लगा सकते हैं, ज़्यादा साइज है तो आप 14 इंच भी कर सकते हो। नॉर्मल साइज में 13 लगाना है, 13 इंच। उसके बाद जो हम निशान लगाएंगे 18 पे या 18.5 या 19, यहाँ पे मैं 19 इंच पे लगाऊंगा। इसको भी आप 20 इंच कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो नाप के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमने, ये हमारा घुटनों वाला निशान हो गया। इसके बाद जो हम निशान लगाते हैं वो लगाते हैं 26 इंच पे। ये हमारा होता है टांग वाला निशान, जो कि मोरी के और घुटनों के बीच का जो हिस्सा होता है, पिंडली भी बोलते हैं उसको। ये टांग वाला निशान जो होगा 26 इंच पे होगा, ये हमने 26 इंच पे लगाया है। उसके बाद लेंथ वाला निशान हमारा आई जाता है 38 पे। इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से।
मैं आपको बता दूं, ये हमारा मोरी वाला निशान हो गया, ये टांग वाला और ये घुटनों वाला, सभी निशान हमने इस प्रकार से सीधे कर लिए हैं। यही होता है मेन, हमने कितने इंच पे क्या चीज रखनी है और किस हिसाब से हम कटिंग करें। अब हमने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाने हैं, जो हमारा जैसे मैंने बताया था मोरी का नाप हमारा 10 इंच है, तो हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, मतलब 11 इंच हमने मोरी रखनी है, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हमारा 5.5 पे आएगा। जितना हमें नीचे की साइड निशान लगाना है उतना ही हमने यहाँ पे मोरी वाले पार्ट पे लगाना है 11 इंच का निशान। उसके बाद हम जो टांग का निशान लगाएंगे 13 इंच है, तो यहाँ पे 14 इंच रखेंगे, यहाँ पे भी 1 इंच की लूजिंग देंगे। और 15 इंच हमारे घुटने हैं, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे, 16 इंच रखेंगे। इन सभी निशानों को सेफ फट्टी की मदद से एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने ये सभी निशान अपने जोड़ लिए हैं। अब मेन रह जाता है कि हम यहाँ का साइज किस हिसाब से रखें। जितनी हमारी हिप होती है, जैसे हिप हमारी 38 इंच है, उसका चौथाई हिस्सा हमने यहाँ पे 9.5 इंच कर लिया है। उसके बाद जो हम आगे की साइड लूजिंग देंगे वो हमने 8 इंच की देनी है हर पीस में। कोई भी पीस होगा, जैसे 40 हिप है या 42 है, 45 है, तो 45 का अपनी चौथाई हिस्सा करना है, उसके बाद 8 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की साइड रखना है, जिसमें जो हमारे प्लेटों में कवर होता है और लूजिंग के तौर पर वो काम आता है। अब इस निशान से इस निशान को हम यहाँ पे इस प्रकार से सेप डालते हुए मिला लेते हैं, इस तरीके से। यहां से हम सीधा आसन रखेंगे, इस प्रकार हमारा यहाँ पे आसन आएगा। आसन में आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा इस टाइम आ रहा है ये 8.5 से 9.25 इंच का। ऊपर की साइड जब हम बेल्ट लगा देंगे तो हमारा 13.5 से 14 इंच ये आसन तैयार रहेगा। यहाँ पे आगे की साइड हम 1 से 7 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं और उन्हीं निशानों पे हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से कटिंग करेंगे हम सीधी यहाँ पे इस प्रकार। अब हम नीचे से कटिंग करेंगे और जितना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना होता है उतना छोड़ते हुए यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पजामे की कटिंग कर दी है। ऊपर की साइड जो हमारा यहाँ पे पीस बचता है, जैसे हमें यहाँ पे जोड़ लगाने होते हैं, तो हम 2 पल्लों में नीचे की साइड जोड़ लगाते हैं और 2 पल्लों में ऊपर की साइड जोड़ लगाते हैं। जो हमारा ऊपर से कपड़ा बचता है, सबसे पहले हम उसी को यूज करेंगे कि उसमें हमारा आ जाता है नहीं, तो इसमें नीचे वाले पल्ले बड़े होते हैं तो ये नहीं आएंगे, तो इस हम दूसरा कपड़ा यूज करेंगे यहाँ पे जो साइड से बचा हुआ है। यहाँ पे जो हम जोड़ लगाएंगे, कन्नी से कन्नी वाले जोड़ लगाते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे की साइड भी कन्नी है हमारी कपड़े में, किनारी जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार चढ़ाते हैं दबाव के हिसाब से जितना हमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है। और यहाँ पे ऊपर का पल्ला इस प्रकार से रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। अब ये बिना विदाउट कन्नी वाला है, तो हमें यहाँ पे विदाउट कन्नी वाला ही जोड़ लगाना है। और जैसे आटा होगा तो हम आटा पीस ज्वाइंट करेंगे और सीधा होगा तो सीधा पीस ज्वाइंट करेंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हम कपड़े को ऊपर नीचे इस प्रकार से रखते हुए जितना हमें मार्जिन लेना होता है इस प्रकार से रखेंगे। और यहाँ पे हम सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम लगाएंगे इस प्रकार से सीधा ऐसे। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये पजामे की कटिंग हो जाती है। अब हमारी बेल्ट रह जाती है यहाँ पे। अब जो हम बेल्ट कटिंग करेंगे, बेल्ट के लिए कपड़ा लेंगे अपना जितना भी हमारे पास है, उसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ा हमारा पजामे में बच जाता है काफी। अगर कपड़ा आपके पास 1.25 मीटर है तब आपको दिक्कत पड़ती है थोड़ी, अगर कपड़ा 2.25 मीटर या 2.5 मीटर है तो आराम से खुली डुली पजामी आप कटिंग कर सकते हो।
यहाँ पे हम इस प्रकार से बेल्ट के लिए पीस रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। आप जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे रख के ही इसको कटिंग करनी है, आप अलग से भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमें बेल्ट कितनी डालनी है। बेल्ट वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें 8 इंच चौड़ाई वाली डालनी है। अगर हम ऊपर की साइड 4 इंच का इंच टेप इस तरीके से छोड़ते हैं तो हमें 8 इंच की बेल्ट लगानी होती है। अगर हम 4.5 छोड़ेंगे तो 8.5 इंच की लगानी होती है। 5 इंच छोड़ेंगे तो 9 इंच की लगानी होती है। यहाँ पे हम 8 इंच के हिसाब से इस प्रकार से निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाऊंगा कि हमने 8 इंच का यहाँ पे निशान, 8 इंच की बेल्ट क्यों कटिंग की है। ऊपर नीचे के लिए मैंने यहाँ पे ये मार्जिन इस तरीके से दबा दिया है, इस प्रकार जो हमारा सिलाई में आएगा मैंने ऊपर नीचे कवर कर लिया है। यहां से हम सीधा कर लेते हैं आसानी की तरफ से, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये मार्जिन। और यहां से हम जो आसन लेंगे ये हमारा 14 इंच रखना है हमें तैयार, इस प्रकार से। और ऊपर की साइड जो हमारा 2 इंच का फोल्ड बचता है ये होता है हमारा नेफे के लिए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से 14 से 14 इंच आसन तैयार आएगा, जो इस नाप के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीका है कटिंग करने का। अब हमें देखनी होती है हम यहाँ पे लंबाई कितनी कटिंग करें, जो हमारी बेल्ट होती है उसकी लंबाई कितनी कटिंग करें, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर उलझ जाते हैं कि कितना हम नाप रखें बेल्ट का। बेल्ट का नाप रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जितनी हमारी हिप होती है, हिप जैसे हमारी 38 इंच है तो इसमें हमें प्लस 6 इंच करना है। तो 38 प्लस 6 जब हम करेंगे तो इसका जो बराबर आएगा ये 44 इंच। तो 44 इंच हमें तैयार बेल्ट रखनी है, मतलब 22 इंच एक पार्ट रखेंगे 22 इंच का। यहाँ पे हम 22 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच इस साइड मार्जिन के लिए और आधा इंच इस साइड मार्जिन के लिए। तो हम टोटल 23 इंच यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार दोस्तों आपने बेल्ट की कटिंग करनी है यहाँ पे। और इस तरीके से हमने ये पूरी पजामी की आपको कटिंग बहुत ही सुंदर और आसान से तरीके से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगा। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाता हूँ कि हमने स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। स्टिचिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होता है कौन से जोड़ हम कहाँ पे लगाएं। यहाँ पे हमने जैसे इस प्रकार से कटिंग किए हुए हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से ही सबसे पहले बड़े वाले जोड़ लगाएंगे। जैसे हमारा बंद हिस्सा है तो इसको हम इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं। तो इसमें राइट साइड का निशान लगा लेते हैं दोनों में, ये राइट साइड है हमारा और ये राइट साइड है, दोनों जो बीच वाले पीस हैं। अब हम यहाँ पे इनमें भी राइट साइड के निशान लगा लेते हैं, दोनों जो जहाँ पे हमने जोड़ लगाने हैं, दो जोड़ कटिंग किए हुए हैं। तो हम राइट को राइट से इस प्रकार से मिलाते हैं, इस तरीके से रखते हैं। आसन वाले हिस्से का ध्यान रखेंगे, आसन वाला हिस्सा हमारा नीचे की साइड आना चाहिए। प्रकार हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लगा लेते हैं। दूसरा जॉइंट भी इसी तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे भी राइट साइड वाला का ध्यान रखेंगे, राइट को राइट से इस प्रकार मिला लेते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे एक साइड के दो जोड़ कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखो इस प्रकार से।
ये हमारा आसन आ गया। अब हमारे दूसरी साइड के जो जोड़ होंगे उनको भी हम इसी प्रकार से जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे चार जोड़ कटिंग किए हुए थे। जैसे मैंने एक साइड जोड़ लगाए हैं, इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों दोनों साइड हमने छोटे जो जोड़ थे उनको भी अटैच कर लिया इस प्रकार से। यहाँ पे भी हमारा ये आसन हो जाता है और दूसरी साइड हमारा इस तरीके से। अब हम सबसे पहले आसन को ज्वाइंट कर लेते हैं इस प्रकार से, एक पीस नीचे और एक पीस ऊपर रखते हुए। जैसे हमने कटिंग की थी सेम इसी तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे। इस प्रकार हमने आसन ज्वाइंट कर लिया है। दूसरी साइड से भी जो आसन होता है उसको भी सेम इसी तरीके से ज्वाइंट करते हैं। दोनों साइड से हमने आसन ज्वाइंट करने के बाद अब हम सेंटर में से इसको पकड़ेंगे दोनों पजामियों के पोंछों को और इनको इस प्रकार से कर लेते हैं। ऐसे दोनों आसन हमारे यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाते हैं, आगे और पीछे वाला इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार की आपकी गोलाई वाला हिस्सा बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे हमें देखना होता है कि हमने अच्छे से स्टिच यहाँ पे पजामी की है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जोड़ गलत लगा लेते हैं, ये जोड़ ऊपर या नीचे का, जब ऊपर नीचे का कोई गलत जोड़ लग जाता है तो यहाँ पे इस सेब में ये तरीका, ये फिटिंग इस प्रकार की नहीं आएगी, इस सेब में नहीं आएगी। जब हमारे जोड़ सही लगेंगे तभी हमारी ऊपर नीचे की गोलाई यहाँ पे बिल्कुल सही आएगी। अब हमने नीचे की साइड जो हमारी मोरी होती है, ये वाली जैसे मोरी होती है, इसको फोल्ड करना है जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लिया हुआ है। जैसे मार्जिन का हमने यहाँ पे निशान लगाया था ये वाला, इतना ही मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे मोरी को फोल्ड कर लेते हैं। दूसरी मोरी भी इसी प्रकार फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से हमने मोरी फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने निशान लगाए हुए हैं उन निशानों के ऊपर सिलाई लगाते हैं साइड की, जो हमारी साइड होती है गोलाई वाली पजामी की, वो निशान उसी निशान के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कहीं पे हमारी कोई पजामी में सलवट तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि सलवट आ जाती है जब हम पूरी पजामी इस प्रकार बिछाते हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई भी सलवट नहीं है, तो हम आराम से इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें मोरी रखनी थी 11 इंच, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे, 5.5 इंच पे इस प्रकार से, और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई की शुरुआत करेंगे। बाकी सिलाई हमारी सेम निशान के ऊपर रहेगी,
सिर्फ क्या होता है यहाँ से हल्की सी बढ़ जाती है मोरी जब हम ये सिलाई लगाते हैं, क्योंकि रेब वाले पीस होता है हमारा, रेब वाला कपड़ा होता है, तो ये हल्की सी बढ़ जाती है, इसलिए हमें यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग दोबारा नाप लेने के बाद सिलाई लगानी होती है। बाकी हम सेम सिलाई निशान के ऊपर लगाएंगे। आसन तक हमने यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। मैं एक बार फिर से आपको सिलाई दिखाना चाहूँगा इस प्रकार से। अब हम दूसरी साइड का जो हमारा कपड़ा होता है, दूसरी साइड की टांग होती है, उसमें भी इसी प्रकार सिलाई कंप्लीट करते हैं। इस बार हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें निशान दोबारा लगाने होते हैं ताकि हम सेम साइज रख सकें। इसमें क्या होता है, सेम साइज हम तभी रख पाएंगे अगर प्रॉपर हम निशान लगा के दोबारा से सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी दोस्तों हमने इस प्रकार से सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है निशान लगाते हुए। अब दोनों साइड हमारी इस प्रकार से तैयार हो जाती हैं। अब हमने ऊपर की साइड बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे, जो हमने बेल्ट कटिंग की हुई थी, जितना हमें नेफा बनाना होता है, यानी ऊपर की साइड नेफे का फोल्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस साइड हमें नेफा बनाना होता है, एक साइड हम नेफा बनाएंगे, यहाँ पे कोई सी भी साइड बना सकते हो आप, इस साइड भी, इस साइड भी। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे जहाँ तक हमारा नेफे का फोल्ड होता है, उससे हल्के से एक पैर ऊपर से, और दूसरी साइड हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे क्योंकि दूसरी साइड हमें नेफा नहीं लगाना है। बेल्ट हमारी इस प्रकार आ जाती है गोल ऐसे। अब हमने यहां पे इस तरीके से फोल्ड लगाना है, जिनको हम चिड़िया भी बोलते हैं, कि जैसे इनको बोलते हैं जो नेफे का मुंह होता है, इनको चिड़िया बोलते हैं, कि चिड़ी बनानी है। इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड भी इस प्रकार से फोल्ड करेंगे ऐसे। अब हम जितना हमें यहाँ पे फोल्ड लगाना होता है नेफे का, जितना हमने निशान लगाया है, उतना यहाँ पे हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और हल्का सा आधा इंच का मार्जिन अंदर की साइड दबाएंगे ऐसे। नेफा फोल्ड करते हुए किनारी की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार फोल्ड करते जाएंगे बराबर नेफा और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों पूरा नेफा हमने तैयार कर लेना है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे नेफा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम जहां पे हमारा नेफा होता है, यहां से एक निशान लगाएंगे तकरीबन 5.5 से 6 इंच पे। इतने इंच पे हमें यहाँ पे चुन्नटे डालनी होती है पजामे में, और इस प्रकार का कट लगा लेते हैं, और एक हमारा सेंटर पॉइंट हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार से। यह हमारा बैक साइड के लिए है, और आगे वाला हिस्सा नेफे वाला रखेंगे हम फ्रंट में। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास
पजामी है जैसे हमने तकरीबन तैयारी कर ली है, इसमें सिर्फ बेल्ट रह जाता है, एक हिस्सा में बैक साइड में लगाना होता है, एक फ्रंट में। तो हमें बैक साइड में प्लेट डालनी है, हम 3 इंच इधर से निशान लगाएंगे और 3 इंच दूसरी साइड से, इस प्रकार। और यहाँ पे तकरीबन हम दो दो प्लेट डाल लेते हैं, जिससे कि पजामी में हल्की हल्की दो दो, या आप एक एक प्लेट भी डाल सकते हो, जिससे कि पजामी में बैक साइड में जो खिंचाव आता है वो खत्म हो जाता है, इस प्रकार से। ये हमारी बैक साइड है जिसमें सिर्फ मैंने दो प्लेट इधर और दो प्लेट इधर डाली है। अब यहाँ पे जो बैक साइड का हमने निशान लगाया है, इस पॉइंट को इस प्रकार से मिला लेते हैं आसन वाले पॉइंट से, यहाँ पे ऐसे। और यहाँ से हम जो हमने 5 इंच, 5.5 पे या 6 तक भी मैंने बोला था वो निशान कट लगाए थे, इस प्रकार से वहाँ तक लेके जाएंगे ऐसे। और इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे इस प्रकार से। ये हमारे आगे वाले निशान हैं आसन जो नेफे के साथ में लगाए थे हमने, 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे इधर और 5.5 इंच पे दूसरी साइड। बराबर मार्जिन रखते हुए इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बैक साइड हमारी मिलनी चाहिए इस तरीके से, सेंटर पॉइंट में ऐसे। ऊपर नीचे का कोई भी पीस आपने लूज टाइट नहीं रखना है, बराबर स्टिच करना है। एक कट से हमने शुरुआत की थी सिलाई की और दूसरे कट पे हमने सिलाई खत्म कर दी है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने ज्वाइंट किया है हिस्सा, ये वाला हिस्सा है हमारा बैक साइड वाला, और फ्रंट तक सिर्फ हमारी 5 इंच की एक साइड, 5.5 इंच की, और 5.5 इंच की दूसरी साइड ये बेल्ट रह जाती है, इस प्रकार से जो हमने ज्वाइंट करनी है, इतनी ये वाला हिस्सा रह जाता है जो हमने ज्वाइंट करना है। इसे हमने ज्वाइंट कब करना हुआ है, सबसे इससे पहले जब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा 5.5 से 6 इंच है, 6 इंच है यहाँ पे हमने जो कट लगाया था, और इसमें हमें इतना पीस कवर करना है यहाँ तक का, 6 इंच के हिस्से में, फिर 6 इंच के हिस्से में दूसरी साइड का कवर करना है। तो हम एक साइड से इसी हिसाब से प्लेट यहाँ पे या चुन्नटे डालते जाएंगे, प्लेट भी डाल सकते हो आप, चुन्नटे भी, जो कि हमारी 6 इंच में कवर हो जाएगी। यहाँ पे हम रख के देखेंगे तो हमारी ये 6 इंच में कवर हो गई है सभी चुन्नटे। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी डाल लेते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये सिलाई से सिलाई मैच करनी चाहिए सेंटर की, और इस प्रकार चुन्नटे भी हमारी सही तरीके से डलनी चाहिए। अब हम यहाँ पे जो हमारा ये छोटा सा हिस्सा बचता है 12 इंच का बेल्ट का, इसको अटैच कर लेते हैं।
प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये चुन्नटे अपनी 12 इंच में कवर कर लिए हैं और अपनी पजामी भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको सीधी करके दिखाऊंगा इसको। सीधी करने के बाद हमारी पजामी इस प्रकार से नज़र आएगी। ये हमारा फ्रंट होगा और बैक साइड जैसे मैंने बताया था दो दो चुन्नटे यहाँ पे दो दो प्लेटें डाली हुई है। बैक साइड हमारी इस प्रकार आएगी। ये हमारा नेफा होगा। नेफे की जो सिलाई होती है ये वाली नेफे की सिलाई आसन से इस प्रकार से मैच करनी चाहिए और इस तरीके से हमारी पूरी पजामी की शेप आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।